उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन पहुंच गया है। स्कॉटलैंड से देहरादून लौटी 23 वर्षीय युवती के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने युवती के माता पिता का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर सरकार नाइट कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंध लगा सकती है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ओमिक्रॉन संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।